नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको संबल 2.0 में रजिस्ट्रेशन करने से जो परेशानियाँ आपके सामने आपको इस समय देखने को मिल रही है, उससे संबंधित बात करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम जो है संबल 2.0 लिखकर गूगल करते हैं, सर्च करते हैं अपने ब्राउजर में, फिर उसके बाद वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपका जो है इस तरह से गोल गोल घूमता है और सर्विस अनअवेलेबल का मैसेज देता है। तो आप रिफ्रेश कीजिए उसे। इस तरह से आप रिफ्रेश करोगे धीरे धीरे, तो जो है आपका पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और पोर्टल ओपन होती कुछ इस प्रकार से आपको शो होगा। इस प्रकार से आप पोर्टल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप जैसे ही पंजीयन करे पर क्लिक करते हो, तो फिर से आपको सर्विस अनअवेलेबल का मैसेज देखने को मिल सकता है। तो आप 2-3 बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं, तो आपका जो है इस तरह से आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। फिर उसके बाद अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपका आवेदन फॉर्म नहीं खुलता है, तो समझिए सर्वर में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या जो है आपके कंप्यूटर में जो ब्राउजिंग डाटा है ज़्यादा हो गया होगा। तो उसे आप क्लियर करके एक बार जो है संबल का रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद भी वही इरर आ रही है, तो आप जो है दूसरे डिवाइस पर देख सकते हैं, और उसके बाद भी वही इरर देखने को मिल रही है। तो समझिए सर्वर की कोई प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका जो है यहाँ पर ये अनअवेलेबल बताना बंद होता है, तो आपका पंजीयन फॉर्म ओपन हो जाएगा और अपना पंजीयन आसानी से आप कर पाओगे। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से अपना संबल का जो पंजीयन है आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपना रिफ्रेश करके देख सकते हैं, आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।